जमीन की चकबंदी के संबंध में आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पारिशर ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में नगर निगम से जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम उन्हें जानकारी देने की बजाय लगातार टरकाता रहा, जिससे परेशान होकर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग से की, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम पर 20,000 का जुर्माना लगाया है, जिसका नगर निगम फरीदाबाद की ओर से अभी तक भुगतान नहीं किया गया। ये जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अब तक नहीं काटा गया। सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए सन 2005 में सूचना का अधिकार आम जनता को दिया गया था, लेकिन आज भी सरकारी विभाग में बैठे कुछ अधिकारी सूचनाओं को जनता से छिपाना चाहते हैं, जिसके कारण आम आदमी तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। इस सूचना के लिए उन्हें काफी लंबा संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी अधिकारियों ने उन्हें जानकारी नहीं दी, जिसके कारण उन्हें राज्य सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी। आयोग के निर्देश पर जब निगम ने जानकारी नहीं दी तो आयोग ने कदम उठाते हुए फरीदाबाद नगर निगम पर 20,000 का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना अधिकारियों की वेतन से काटा जाना है, मगर अभी तक जुर्माना नहीं भरा गया है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी एक रकबे के चक्कर में कि ये रूल उसमें डाल डोडा में आता है या निगम में आता है। ये आरटीआई लगाई थी मैंने 16/8/2018 को, उसके बाद मैंने अपील करी इसकी 29/4/2019 को, उसमें भी इन्होंने कोई रिप्लाई ना देने के बाद इनके खिलाफ शो काज नोटिस हुआ 16/5/2019 को। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई ना ही पेश हुए, मैं अपनी तरफ से मेरा काउंसिल पेश हुआ, उसके बाद इनके खिलाफ ऑर्डर किए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, ये ऑर्डर है 25/2/2020 के कि भाई आप के खिलाफ 20,000 रुपये पेनल्टी की जाती है, जो एक्शन कम इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो उसकी सैलरी से काटे जाएं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 18 इन्होंने फिर ऑर्डर दे दी उसको, उसमें ऑर्डर हुए 18/11/2020 को, उसमें भी वो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस होगी। मतलब ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया था पब्लिक के फायदे के लिए बनाया गया था, जिसमें कि पब्लिक धक्का खा रही है, आज की डेट तक ना कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ना ही किसी इनके खिलाफ जहाँ तक मेरी जानकारी है इनसे कोई अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ जिस ऑफिसर ने गलती की है तो इन्फॉर्मेशन जिसने गलती की है उसको सबक मिलना चाहिए, और इसी मामले में हमारे जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसने स्टिक एक्शन लिया है, और इससे ऐसे अगर एक्शन लेंगे तो आगे 4 आदमियों की आंख भी होगी, क्योंकि तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाया था, पब्लिक की भलाई के लिए बनाया था, धक्का खाने के लिए थोड़ी बना था।